तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ इस वक्त बिहार में। आपने पिछली व्लॉग में अगर देखा हो तो इस वक्त हम हैं तारामंडल आए हुए थे और ये गेट बंद है। गेट बंद होने का रीज़न ये है कि ये सार्वजनिक अभी नहीं हुआ है, सार्वजनिक नहीं किया गया है, ये सिर्फ स्कूलों के लिए है जैसा कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली अभी बताया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है ऊपर, तो इस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सब लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, तो कोई भी अगर यहाँ आते हैं तो अभी ना आए 15 मार्च के बाद ना। हाँ, तो ये गार्ड साहब का कहना है कि आम पब्लिक कोई भी हो, वो कोई भी आना चाहे तो 15 तारीख के, 15 मार्च के बाद आप यहाँ आ सकते हैं, तो सार्वजनिक हो। अभी स्कूल का स्पेशल चल रहा है, तो एक सेशन चल रहा है स्कूलों के लिए, जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको डीएम साहब एक एक करके चिट्ठी दे रहे हैं, उनको परमिशन मिल रहा है और वो अपने बच्चों को ला के यहाँ पे घुमाने के लेके आ रहे हैं और उनको स्पेशली दिखाया जा रहा है। तो स्कूल वालों के लिए अभी स्पेशल सेशन है, तो आम पब्लिक के लिए जो सार्वजनिक किया जाता है वो 15 मार्च के बाद होगा। हाँ, ये गलत है कि आपको पहले नहीं इन्फॉर्मेशन दिया गया और सबको नहीं पता है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो 15 मार्च से पहले आम व्यक्ति कोई भी ना आए, क्योंकि किसी के लिए नहीं खुला है। कि जो भी सार्वजनिक लोग, बाहर के लोग आना चाहते हैं, कहीं के भी लोग, ट्रैवलर्स आना चाहते हैं या कहीं के भी लोग आते हैं अदर सिटी से भी अगर आ रहे हैं, तो 15 तारीख के बाद आप तारामंडल को देखने के लिए आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो खुल जाएगा, सार्वजनिक हो जाएगा। तो मैं बार बार ये बात इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप ये गलती ना करें यहाँ आके, यहाँ के आपको ये ना लगे कि आपके साथ गलत हुआ, आपको बताना चाहिए था। तो मैंने बता दिया और मीडिया चैनल में भी बताए जाने चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि उन लोग भी ये इन्फॉर्मेशन फैलाए और यहाँ आके कोई बहस ना करें इनके साथ। इनका जो ड्यूटी मिला हुआ है वो ड्यूटी करने दें। यही हुआ, हाँ बोलिए, कि हैदराबाद पुराना बस स्टैंड, उसके बाद जो है यहाँ पर पॉलिटेक्निक है, जस्ट उसी के बगल में तारामंडल, पॉलिटेक्निक कॉलेज के बगल में। बगल में आपका नाम? मेरा नाम हुआ राम बाबू महतो। राम बाबू महतो, आप यहाँ सिक्योरिटी गार्ड में? जी। तो ये सार्वजनिक 15 मार्च के बाद होगा? जी। और ये अभी स्कूलों, स्कूल के लिए खोला गया अभी? हाँ, स्कूल के लिए सिर्फ अभी सरकारी स्कूलों को परमिशन मिला है। जी, सार्वजनिक 15 मार्च के बाद है। तो कोई भी आके इन लोगों से बहस ना करें, जो लीगल प्रोसेस है आपको 15 तारीख के बाद ये खुद जाने देंगे सार्वजनिक, जब ऊपर से ऑर्डर हो जाएगा डीएम साहब की तरफ से। अच्छा, एंट्री टिकट का कोई ऑप्शन? टिकट का अभी कोई ऑप्शन नहीं, अभी कुछ रखा गया है या फिर फ्री रहेगा? नहीं, फ्री है ये, बाद में टिकट रखा जाएगा। हाँ, कितना टिकट होगा? जब खुलने से पहले पता चल जाएगा। अभी कोई भाई, आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन नहीं? इन्फॉर्मेशन नहीं, वही जानना था कि जो इन्फॉर्मेशन हो नहीं, जो इन्फॉर्मेशन था आप बताए। जरूर जरूर, आप बहुत अच्छे हैं। आपका नाम सर? भरत सिंह है। यहीं से? दरभंगा से ही है? पटना तारामंडल से है। आपको यहाँ ड्यूटी मिली है? जी। हम अपने सिक्योरिटी से आए हैं। पटना से अच्छा लग रहा है या नहीं? अभी कैसा, पटना से अलग बना है या सेम बना है? पटना से अलग बना है। अच्छा बना, उससे बड़ा है ये साइज? उससे बड़ा है। अच्छा, बड़ा है, स्पेस भी ज्यादा है। स्पेस ज्यादा है यहाँ पे, ऊपर फ्लोर पर भी पार्किंग पार्क बनाया है ऊपर फ्लोर पे। अच्छा, देखने में अच्छा लगेगा। 15 तारीख के बाद जो लोग आएंगे उनको मजा आएगा यहाँ पे? हाँ, मजा आएगा, लेकिन अभी तो पेड़ पौधा लगा ही नहीं है। अच्छा, इस साइड पे देख सकते हैं अभी? हाँ, वो फूल पौधे वगैरह का भी काम चालू है, इसलिए सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, लोगों को ऐसा ना लगे कि बहुत खाली खाली है। हाँ, खाली खाली है, प्लस में कहीं इलेक्ट्रिक का काम हो रहा है, कहीं कांच का काम हो रहा है, इसलिए पब्लिक का अलाउ नहीं है। स्कूल के बच्चे आते हैं डिसिप्लिन में? बच्चे डिसिप्लिन में लाइन लग के आते हैं, सिर्फ तारामंडल देखते हैं और चले जाते हैं लाइन लग करके, उनको भी घूमने का कोई ये नहीं है ना। सही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक का काम हो रहा है तो किसी को नुकसान हो सकता है, नुकसान हो सकता है, कांच कहीं कांच लग रहा है, कांच तो कैसे होगा, इसलिए बंद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तक के लिए।